हेलो एवरीबडी आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी एंड एस एस टी फॉर फ्री ओनली एट लर्नो हब डॉट कॉम सो इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग द रिमेनिंग कॉन्सेप्ट फ्रॉम द चैप्टर मैटर तो काफी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं बट अभी भी बहुत कुछ डिस्कस करना बाकी है सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड सो लेट इस नाउट टॉक अबाउट द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर ओके okay? और इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे इनके कुछ मॉलिक्यूलर मॉडल्स द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस तो सॉलिड मतलब सॉलिड की बात करें तो ऐसे ध्यान आता है जैसे कि पत्थर ठीक है लिक्विड की बात करें तो पानी गैस की बात करें तो हवा ठीक है सो दीज आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर और ये जो सारी की सारी स्टेट्स ऑफ मैटर है दे कैन बी इंटरचेंज तो यू कैन सी दीज एरो राइट तो ये डबल एरोज है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है कि सॉलिड गैस भी बन सकता है गैस सॉलिड भी बन सकती है सॉलिड लिक्विड भी बन सकता है लिक्विड सॉलिड भी बन सकता है लिक्विड गैस भी बन सकता है और गैस लिक्विड भी बन सकती है सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दीज डबल एरोज ठीक है बाय डायरेक्शनल एरोज तो ये कैसा कैसे हो सकता है सो दिस इज पॉसिबल ओनली बाय चेंजिंग द फिजिकल कंडीशंस एंड इसमें मेनली जो हम फिज़िकल कंडीशन जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ टेम्परेचर ओके तो इसमें एक और स्टेट भी आती है दैट इज़ द फोर्थ स्टेट जो इस क्लास में तो आप कुछ खास पढ़ोगे नहीं बट स्टिल यू मस्ट नो द फोर्थ स्टेट इज़ द प्लाज्मा ये एक ऐसी स्टेट है जो गैस के बाद आती है ठीक है और इस स्टेट को अचीव करने के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है तो ये वो टेम्परेचर होता है जहां पर मैटर आयंस में कन्वर्ट होने लग जाता है ठीक है तो इसको हम इससे ज़्यादा इस क्लास में डिस्कस करेंगे नहीं तो अब यहाँ पर ना थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर का एक बड़ा ही अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहला है आइस ठीक है तो आइस क्या है आइस इज बेसिकली अ सॉलिड स्टेट इट दूसरा है हमारे पास वॉटर वॉट इज वॉटर वॉटर इज अ लिक्विड स्टेट कौन सा स्टेट लिक्विड स्टेट एंड द लास्ट वन इज स्टीम स्टीम क्या है गैसियर स्टेट ठीक है तो आपने देखा है ना जब कुकर से विसिल आती है ठीक है ढक्कन बंद होता है जब वो विसिल करता है तो वहां से क्या निकलती है ऐसे फ्यूम्स से जैसे आप यहां पर देख रहे हो सो दैट इज बेसिकली अ गैसियर स्टेट Right? So these are the three states of matter which are possessed by a water molecules, which are, which water molecules have. ठीक है सो दीज आर थ्री डिफरेंट स्टेट्स तो आप बता सकते हो कि यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं जब बहुत कम टेम्परेचर रखेंगे ठीक है मान लो नेगेटिव में टेम्परेचर रखेंगे तब हमारे पास वाटर सॉलिड स्टेट में आएगा जैसे कि आइस जब हम इसी टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाएंगे मान लो पांच छह डिग्री कर दिया ठीक है तो अब धीरे धीरे ये जो सॉलिड स्टेट है आइस ये मेल्ट होना शुरू होगी और हमें क्या मिल जाएगा पानी मिल जाएगा वहीं पर अब अगर आप बहुत हाई टेम्परेचर दे दो अब आप क्या करो कि ये जो पानी है ना इसको डाल दो एक पैन में और पैन को रख दो गैस पे गैस को ऑन कर दो अब धीरे धीरे आप देखोगे अब आपको ये ऐसे स्टीम सी दिखना शुरू हो जाएगी सो बिकॉज वी चेंज द टेम्परेचर सो जस्ट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर वी आर एबल टू अटेन ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर ठीक है सिंपल था ये तो इसमें तो कुछ खास था नहीं है ना सो लेट इस टॉक अबाउट दो डिसाइडिंग फैक्टर्स विच डिसाइड द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस अब एक सब्सटेंस लिक्विड होगा सॉलिड होगा या फिर गैस होगा वो डिपेंड करता है इन कुछ फैक्टर्स पे द फर्स्ट वन इज द इंटर स्पेसेस जो मोलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्पेस कितना है अगर बहुत कम स्पेस होगा तो सॉलिड होगा थोड़ा ज़्यादा स्पेस होगा तो लिक्विड होगा और बहुत ज़्यादा स्पेस होगा तो क्या होगा गैस होगी ठीक है नेक्स्ट वन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में कितना स्पेस है कितने स्पेस पे डिपेंड करेगा इन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कितनी होगी अगर बहुत पास होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हाई होंगी तो मतलब वो सॉलिड होगा अगर यही स्पेस को हम बढ़ा देंगे तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कम हो जाएगी तो इसका मतलब वो गैस वो लिक्विड फॉर्म हो जाएगी और अगर और ज़्यादा हम इस स्पेस को बढ़ा देंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेज निग्लिजिबल हो जाएंगी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी सो दैट टाइम दिस सब्सटेंस विल अटेन अ गैसियर स्टेट सिंपल था ओके द लास्ट वन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अब ये जो मूवमेंट है मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है ना ये कितना मूव कर सकते हैं क्या ये बहुत ज्यादा मूव कर रहे हैं क्या ये बहुत कम मूव कर रहे हैं या ये मूव कर ही नहीं पा रहे हैं तो यहीं पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि चाहे सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है हर एक सब्सटेंस जिस भी मॉलिक्यूल से बना होता है वो मॉलिक्यूल में मूवमेंट होती ही होती है तो आप बोलोगे कि मैम वाटर का समझ आ रहा है गैस का समझ आ रहा है लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे मूव करेंगे वो तो बहुत पास पास हैं ऐसा नहीं है ठीक है आप तो बोलोगे वो तो फ्लो भी नहीं कर पाता है हमें कैसे पता कि वो मूव कर रहा है बट

ठीक है एक स्टोन की हम बात करते हैं तो ये जो स्टोन होता है अगर आप इस स्टोन को देखो तो इसका एक डेफिनेट शेप है और एक डेफिनेट साइज है ठीक है तो मतलब ये कहीं भी हो यहां पर मेरे हाथ में रखा है या फिर मैं इसको इस ग्लास के अंदर डाल दूं ठीक है तो इसका ये एक डेफिनेट शेप और इसका एक डेफिनेट साइज रहेगा ठीक है इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट देन द सेकेंड इज इट ये एक पत्थर है ठीक है एक स्टोन है अब मैं इसको कितना भी प्रेस कर लू लेकिन ये कॉम्प्रेस नहीं होगा सो इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ठीक है नेक्स्ट इज अब अगर मैं इसको ऐसे हाथ में रखो और मैं इसको थोड़ा स्लैंटिंग पोजीशन में कर दूँ तो क्या ये फ्लो करना शुरू करेगा बिल्कुल नहीं करेगा इट कैन नॉट फ्लो सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो राइट द नेक्स्ट इज दे आर हाईली डेंस इस बात का क्या मतलब है ये तो काफ़ी इजी है आप सबको समझना हाईली डेंस का मतलब कि इसके बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो बहुत ही टाइटली पैक्ड है एक दूसरे से ठीक है तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस है ना वो बहुत कम है एंड दीज मॉलिक्यूल्स इनसाइड दिस स्टोन आर वेरी टाइटली पैक्ड सो दिस इज वन थिंग राइट सो द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड देन दे एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू देयर वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन अब ये एक पत्थर है ठीक है अब मान लो मेरे पास ये एक पेपर है अभी ये पेपर बिल्कुल ऐसा है सीधा है ठीक है आप देख रहे हो ना अब मैं क्या करूंगी इस पत्थर को इसके ऊपर रख दूंगी और फिर से मैं इस पेपर को पकड़ूंगी तो आपको ये नहीं लग रहा कि थोड़ा सा नीचे की तरफ पेपर जो है वो टर्न मतलब बेंड हो रहा है एक तरह से पेपर अब मुझे सीधा नहीं दिखा देके थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ को हो गया है क्यों क्योंकि जब मैंने इस स्टोन को इस पेपर के ऊपर रखा तो इस स्टोन ने एक प्रेशर एग्जर्ट किया किस तरफ को नीचे की तरफ को राइट द नेक्स्ट वन इज दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस तो इसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की फोर्सेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है क्यों स्ट्रांग है अभी हमने डिस्कस किया क्योंकि मॉलिक्यूल्स काफ़ी क्लोजली पैक्ड हैं मॉलिक्यूल्स के बीच के स्पेसेस काफ़ी कम हैं एंड हम ये बोल सकते हैं कि टेंथ रेस टू दी पावर नाइन मीटर से कम स्पेस है भाई इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जिसकी वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई है और इसीलिए ये जो एक पत्थर है इट इज़ हाईली डेंस इट इज लाइक इट हैज़ इट्स डेफिनेट शेप इट हैज़ इट डेफिनेट साइज इट कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड ठीक है क्योंकि कॉम्प्रेस तो मैं तब करूंगी ना अगर मैं इसको दबाऊं और बीच में कोई स्पेसेस हो तो ये वहां पर जाकर मतलब ये उन स्पेसेस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को एडजस्ट करने की कोशिश करें ठीक है जब स्पेस ही नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे या निग्लिजिबल स्पेस है तो वो कहाँ जाएंगे राइट नेक्स्ट इज लो थर्मल एक्सपेंशन अब मैं क्या करूँगी कि मैं इस पत्थर को लूँगी और मैं इसको गैस पे रख दूँगी ठीक है तो क्या आपको लगता है कि ये जल जाएगा मैं थोड़ी ही रखूँगी ठीक है तो ये जलेगा नहीं राइट तो बिकॉज क्योंकि ये जो सॉलिड्स होते हैं ये हीट से एक्सपैंड लो हैं ये मेल्ट नहीं होते हैं ठीक है सो दे हैव लो थर्मल एक्सपेंशन थर्मल वर्ड स्टैंड फॉर दिस वर्ड स्टैंड फॉर हीट ठीक है इट इज रिलेटेड टू हीट राइट एक्सपेंशन मतलब एक्सपैंड होना राइट right? तो जैसे आप कुछ चीज़ों को ले लो जैसे कोई ऐसी चीज लो जो एक्सपैंड हो सकती है मान लो आपने से एक जेली ली तो जेली को जब आपने थोड़ा टेम्परेचर दिया जब हाँ, मतलब थोड़ा हीट किया उसको तो वो जो जेली है वो एक्सपैंड होने लग गई बट दिस इज नॉट द केस विद दिस विद द सॉलिड्स राइट द नेक्स्ट इज नॉट

रहेगा बिकॉज वी नो दैट ऑल द मॉलिक्यूल्स दे आर इन अ कॉन्स्टेंट मोशन राइट ओके द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इस पत्थर को अगर आप देखो तो इसके ना सॉलिड्स के बेसिकली बहुत ज्यादा सर्फेसेस होते हैं सो इट हैज लार्ज नंबर ऑफ सर्फेसिज ये भी एक सर्फेस है यहाँ पर भी एक सर्फेस है ये भी एक सर्फेस है दिस इज़ अगेन वन सर्फेस दिस इज़ वन मोर सर्फेस सो इट हैज़ एन नंबर ऑफ़ सर्फेसिज नेक्स्ट इज इट इज़ हाईली रिजिड एंड इट के नॉट बी स्ट्रेच्ड इन टू वायर्स और बीटन इन टू शीट तो अब अगर मैं इस पत्थर को हैमर से मारने लग जाऊँ तो भी ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा ठीक है तो मतलब ये काफ़ी है हो सकता है ये टूट जाए इसके टुकड़े टुकड़े हो जाए लेकिन मैं इससे कभी भी एक वायर या फिर मैं इससे कभी भी इसको एक शीट एक ऐसा एक प्लेन पेपर की तरह मैं इसको नहीं बना पाऊँगी राइट द नेक्स्ट वन इज दे डू नॉट डिफ्यूज इन टू ईच अदर लाइक सॉलिड जो है वो एक सॉलिड अगर मैं ये दो सॉलिड हैं तो मैं अगर इनको पास में भी रख दूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ी देर में ये पेन इस पत्थर को खा जाएगा या ये पत्थर इस पेन को खा जाएगा सो दे डू नॉट डिफ्यूज इन टू ईच अदर बात समझ आई ओके सो लेट एस नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट दैट इज द मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ सॉलिड्स ठीक है तो मॉलिक्यूलर मॉडल में ना बेसिकली हम यही मॉलिक्यूल्स uh, के बीच का स्पेस उनका साइज और उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात ही करते हैं तो सबसे पहले है द मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज दे आर द टाइनी रिजिड बॉल्स तो जैसे आप यहां पर देख रहे हो तो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये काफ़ी छोटे साइज के हैं जो हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे देखने को मिलेंगे और ये छोटी छोटी रिजिड बॉल्स हैं हार्ड बॉल्स हैं राइट द नेक्स्ट इज दे द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज क्योंकि ये जो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के पास पास हैं इसीलिए इनके बीच का इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है अट्रैक्शन जो है वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड है द नेक्स्ट वन इज निग्लिजिबल इंटरमोलिक्युलर स्पेसिस क्योंकि स्पेस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है करेक्ट दे वाइब्रेट ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन पोजिशन वही मैंने डिस्कस किया अभी अभी हम वही तो बात कर रहे थे ना कि अगर ये एक मॉलिक्यूल है ये ऐसा नहीं है कि सॉलिड है तो भाई इसमें uh, क्योंकि निग्लिजिबल स्पेसेस हैं तो ये बिल्कुल नहीं हिलेगा दिस विल मूव लेकिन ये अपने ही स्पेस में वहीं पर थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करता रहेगा करेक्ट द नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड अब यहाँ पर आप देख लो मॉलिक्यूल्स कितना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एकदम ऐसे टाइटली पैक्ड होते हैं तो यही वो रीजंस हैं जिनकी वजह से सॉलिड्स जो हैं वो रिजिड होते हैं वो हार्ड होते हैं वो डेंस होते हैं वो फ्लो नहीं करते हैं वो एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ नहीं होते हैं सो दीज दिस मॉलिक्यूलर मॉडल शोज़ एज वाई सॉलिड्स आर द वे दे आर ठीक है ओके सो लेट अस टेक वन एक्सेप्शन इन द सॉलिड स्टेट दैट इज दिस रबर बैंड तो अगर आप रबर बैंड को देखो तो आप रबर बैंड को स्ट्रेच कर पाते हो ठीक है सो आई हैव अ रबर बैंड तो मैं इसको स्ट्रेच कर पा रही हूँ कर पा रही हूँ ना अब अगर मैं इस फोर्स को रिलीज कर दो तो ये वापस नॉर्मल स्टेट में आ गया राइट सो वी कंसिडर दिस रबर बैंड एज अ सॉलिड बस दिस इज एन एक्सेप्शन टू दिस पर्टिक सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स ठीक है तो अगर आप नॉर्मली देखो तो चाहे मैं इस रब बैंड को इस ग्लास में डाल दू चाहे मैं इसको हाथ में पकड़ूं मैं कुछ भी करूं ये ऐसा क्या ऐसा ही रहेगा लेकिन जब मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूंगी तो ये अपनी शेप को चेंज करेगा ठीक है सो दिस इज एन एक्सेप्शन टू द सॉलिड स्टेट सो आई होप दिस इज क्लियर सो लेट इस नाउ टॉक अबाउट द लिक्विड स्टेट तो मतलब हम पानी की बात करेंगे ठीक है इन सिंपल वर्ड्स सो so, लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है और उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है जैसे हम जब इस पत्थर को इस स्टोन को हम इस ग्लास में डाल रहे थे तो ये ऐसे ही शेप में रह रहा था इसका वॉल्यूम भी सेम रह रहा था लेकिन जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं सो दिस लिक्विड हैज़ अ डेफिनेट शेप सॉरी वॉल्यूम लेकिन इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है अब मैंने क्या किया इस लिक्विड को यहां से इस कंटेनर से इस ग्लास में पोर कर दिया तो अब क्या हुआ पहले तो वो ऐसा कुछ हमें राउंड राउंड देखने को मिल रहा था और अब कैसा है अब इसी कंटेनर की शेप इस लिक्विड ने ले ली है। हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट दे डू नॉट और अगर मान लो मेरे पास ये लिक्विड है और मैं इसको कंप्रेस करने की कोशिश करूं ठीक है मैं एक ऐसे कंटेनर में डाल दूं मैं इसको पूरा इधर तक फिल कर दूं फिर इसको ना मैं कंप्रेस करने के दबाऊं मैं ऊपर से इसको और ये सोचूं कि थोड़े और वाटर मॉलिक्यूल्स इस ग्लास में चले जाएंगे तो वो क्या होगा नहीं होगा जब मैं उसको प्रेस करूंगी तो वो पानी पूरा बाहर निकल आ जाए निकल जाएगा लेकिन वो कॉम्प्रेस नहीं होगा दिस मीन्स इट इज ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल राइट नेक्स्ट इज दीज लिक्विड कैन फ्लो तो ये तो हमने बहुत सिंपली अभी देख ही लिया कि एक कंटेनर में लिक्विड है मैंने इसको दूसरे में डाला तो ये इजीली फ्लो करना शुरू कर गया लेकिन जब मैं यही चीज एक पत्थर के साथ कर रही थी तो वो नहीं हो रहा था करेक्ट सो दिस कैन फ्लो वेयर एज दिस इज विस्किस ठीक है सो इट हैज दैट एबिलिटी टू फ्लो ठीक है कि कोई ऐसे होते हैं जिनमें ये फ्लो जो होता है वो जो रेजिस्टेंस होती है फ्लो के लिए वो ज़्यादा होती है किसी में कम होती है सो विस्कोसिटी इज बेसिकली प्रॉपर्टी विच एवरी लिक्विड पोजेस एंड दिस प्रॉपर्टी इज टू अपोज द फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ दैट लिक्विड ठीक है तो so, ये बेसिकली जो लिक्विड होता है ना लिक्विड की जो दो डिफरेंट लेयर्स होती हैं उनके बीच का एक रेजिस्टेंस होता है उन मोशंस के बीच का एक रेजिस्टेंस होता है टू फ्लो राइट द नेक्स्ट वन इज इट हैज टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई द मिनिमम सरफेस एरिया दैट इज द सरफेस टेंशन तो यही हमने बात की थी तो इसकी सरफेस टेंशन भी होती है कि ये जहां पर रहेगा तो ये मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की लिक्विड्स की टेंडेंसी होती है द नेक्स्ट वन इज इट हैज ओनली वन फ्री सरफेस तो अब जैसे मैंने इस यहाँ पर इस कंटेनर में डाल दिया तो इसका जो बाकी सारे सर्फेसेस जो है उनके अराउंड तो ये वॉल है बाकी जो फ्री सर्फेस है वो सिर्फ ये टॉप वाला जो सर्फेस है दैट इज फ्री सरफेस ठीक है अदर लिक्विड्स अब मान लो मैं इंक लाऊं, इंक के ड्रॉप्स लाऊं और मैं उसको इस पानी में डाल दूं, जैसे कि हमने पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था ठीक है तो वो जो इंक के ड्रॉप्स हैं इंक भी एक लिक्विड है तो वो यहाँ पर क्या होगा वो यहां पर क्या हो जाएगा डिसॉल्व हो जाएगा इस लिक्विड में तो एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगा डिफ्यूज हो जाएगा ठीक है द नेक्स्ट वन इज दे आर लेस रिजिड एंड दे आर लेस क्लोजली पैक्ड सो बेसिकली द मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड दैट इज वाई दे आर नॉट रिजिड राइट द नेक्स्ट वन इज द इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वीक क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर हैं स्पेस ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स के बीच में तो इनके बीच के अट्रैक्शन भी कम है वीक है इट हैज़ हाई थर्मल एक्सपेंशन तो लिक्विड्स को अगर आप गर्म करोगे हीट दोगे तो वो एक्सपैंड होना शुरू कर देते हैं वेर एज सॉलिड्स लो थर्मल एक्सपेंशन नेक्स्ट वन इज द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव विद इन द बाउंड्रीज तो अब जैसे ये एक कंटेनर में हमने लिक्विड डाला है तो इसी बाउंड्री के अंदर अंदर ये फ्रीली मूव करेगा ठीक है अब मान लो मैंने इसको यहाँ से भी कवर कर दिया तो ये चारों तरफ से कवर हो गया अब ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है ना ये इसी बाउंड्री के अंदर अंदर मूव करते रहेंगे करेक्ट देन दे एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन तो अगर ये एक ग्लास है इस ग्लास में हमने ये लिक्विड डाला है तो ये लिक्विड जो है ये हर तरफ को प्रेशर एक्जर्ट करता है ऊपर भी नीचे भी साइड्स भी इन ऑल द डायरेक्शन करेक्ट सो दिस दीज आर सर्टन प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स सो लेट इस नाउ टॉक अबाउट द मोलिक्यूलर मॉडल ऑफ लिक्विड्स तो जैसे मॉलिक्यूलर मॉडल की बात करें तो ये हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जिनमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस है एज वी कंपेयर द मोलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स सो द मॉलीक्यूल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज जैसे कि सॉलिड्स में थे एंड दे आर नॉट अ रिजिड अरेजमेंट मतलब बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेजड एक अरेजमेंट uh, नहीं है देर इज अ लॉट ऑफ स्पेस वेन वी कंपेयर दिस विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड राइट द नेक्स्ट वन इज इंटर इंटरमोलिक्यूलर स्पेसिस आर मोर अब क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेसिस ज्यादा हैं तो मोलिक्यूल ज्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं बट विद इन द बाउंड्रीज करेक्ट द मॉलिक्यूल्स आर नॉट क्लोजली पैकड देयर पोजिशन आर नॉट फिक्सड तो अगेन हर एक मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है ये यहां से जाएगा मॉलिक्यूल इस तरफ को इससे टकराएगा रैंडमली दूसरी तरफ को मूव करना शुरू कर देगा यहां पर जाके किसी से टकराएगा

मोशन बात क्लियर हुई नेक्स्ट इज द इंटर फोर्सेस फोर्सेज आर वीक तो यहाँ पर जो फोर्सेज हैं इन मॉलिक्यूल्स के बीच में वो काफ़ी वीक होती हैं क्यों क्योंकि स्पेस ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स के बीच में तो फोर्सेस तो वीक होंगी ही ठीक है तो देखो जो हम ना शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बेसिकली वही चीज़ों को हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं और ये वही चीज़ें हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्पेसिस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ये वही चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो लिक्विड्स हैं यू रिमेंबर दोज फोर थ्री डिसाइडिंग प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी जो हमें ये बताता है कि जो भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो सॉलिड होगा लिक्विड होगा या गैस होगा तो हम उन्ही चीज़ों को पढ़ के ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस हमारे पास है या से वॉटर है तो वॉटर ऐसा क्यों है तो यही सारी प्रॉपर्टीज हमने इस मॉलिक्यूलर मॉडल में पढ़ी ठीक है तो आपको समझ आ गया तो बहुत सारे लिक्विड्स हैं, जैसे कि ऑयल है फिर जो हम खाने में ऑयल यूज करते हैं देन वाटर है रू अफजा जो पीते हैं थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है लेकिन अगेन थोड़ा लिक्विड है राइट सो ऑल ऑफ आर द लिक्विड्स करेक्ट नेक्स्ट इज द स्टेट अब स्टेट के लिए मेरे पास एज सच कोई वो टीचिंग एड बोलते तो टीचिंग एड तो नहीं है बट अगर हमारे पास एक गैस है ठीक है तो यहाँ पर ना तो गैस की कोई डेफिनेट शेप होती है ना वॉल्यूम होता है गैस है ठीक है आप उसको एक बलून के अंदर पंप करो ठीक है तो बलून फूल जाएगा ठीक है तो बेसिकली वो उसका शेप ले लेगा ठीक है आप उसको किसी और चीज के से एक टायर के अंदर हवा भर रहे हो तो टायर कैसा है ऐसा गोल है ठीक है जो व्हील्स होते हैं वो ऐसा कैसा है गोल है तो उसकी शेप ले लेगा ठीक है और उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है सो गैसेस नाइदर दे हैव डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम करेक्ट नेक्स्ट इज दे आर हाईली कॉम्प्रेसिबल तो अगर आप किसी से आप बलून के अंदर हवा भर रहे हो थोड़ी सी हवा भरोगे तो वो भी चलेगा आप उसमें और ज़्यादा भरने की कोशिश करोगे तो आप उसको भर सकते हो बिकॉज दीज गैसेज मॉलिक्यूल सिंस द मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार ऑफ फ्रॉम ईच अदर तो हम इनको कॉम्प्रेस कर सकते हैं इन स्पेसिस को कवर कर सकते हैं जब कॉम्प्रेस करेंगे तो ये स्पेसिस कवर होंगे जब ये स्पेसिस कवर होंगे सो दैट विल इंट्रोड्यूस द टर्म कॉम्प्रेसिबिलिटी तो ये हाईली कॉम्प्रेसिबल होते हैं ठीक है वेर एज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स दे आर नॉट कॉम्प्रेसिबल ठीक है देन दिक कैन फ्लो अफकोर्स गैसेज कैन फ्लो बेलून में हवा भरो और फिर उसका माउथ टाई ना करके उसको ऐसे ही छोड़ दो तो पूरी की पूरी हवा जो है वो बाहर निकल जाएगी सो इट कैन फ्लो राइट नेक्स्ट इज दे आर विस्कस अफकोर्स दे हैव देट दे पोजेस दैट रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स राइट तो वो तो है ही देन द गैसेज दे डिफ्यूज इन टू ई ईच अदर वेरी फास्ट तो हवा की बात करो तो कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं ठीक है तो एक गैस जो है वो दूसरी गैस में हम ईजिली ईजिली डिफ्यूज़ हो जाती है मिक्स हो जाती है करेक्ट देन दे हैव नो फ्री सर्फिस गैस का कोई फ्री सर्फेस नहीं होता है गैस एकदम मस्त मौला होती है वो इधर उधर इधर उधर कहीं भी घूमती रहती है सो देर आर नो फ्री सर्फिस देन लीस्ट क्लोजली पैक्ड इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबसे कम क्लोजली पैक्ड होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल होता है और इनकी थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होती है ठीक है तो थर्मली ये काफ़ी ज़्यादा हीट अप्लाई करने पर ये काफी ज़्यादा एक्सपैंड भी कर जाते हैं द नेक्स्ट वन इज द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव इन अ रैंडम मैनर तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना ये रैंडम मैनर में मूव करते हैं और काफी फ्रीली मूव करते हैं करेक्ट देन दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन एंड देर एज देर आर नो फ्री सर्फेसिस तो फ्री सर्फेस ही नहीं है तो फ्री सर्फेस टेंशन का तो मतलब ही नहीं है ठीक है देन दे एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन ऑल द डायरेक्शंस तो अगर आप बलून में हवा भरोगे ठीक है अब उस बलून को किस बलून पकड़ो और उसको एक तरफ से ना उसको प्रेस करने की कोशिश करो तो वो प्रेस हो जाएगा लेकिन जैसे ही आप रिलीज करोगे देखो प्रेस करने में भी आपको थोड़ा प्रेशर फील होगा और जैसे ही आप रिलीज करोगे वो बैक टू शेप आ जाएगा क्यों क्योंकि अंदर जो गैस है ना वो हर डायरेक्शन में क्या कर रही है प्रेशर एग्जर्ट कर रही है राइट सो दिस शोज दैट द गैसेस दे एग्जर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एम आई क्लियर ओके द नेक्स्ट वन इज द मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैसेस तो अगर हम गैसेज की बात करें तो अगेन मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं रिजिड होते हैं होमोजीनियस मतलब एक ही जैसे होते हैं और परफेक्टली इलास्टिक बॉल्स होती हैं तो so, ये जो बॉल्स होती हैं ना मॉलिक्यूल्स की ये काफ़ी इलास्टिक होती हैं ठीक है जिनको इलास्टिक कैसा होता है कुछ ऐसा है ना दिस इज़ इलास्टिक तो कुछ ऐसे ही होते हैं देन इंटर मोलिक्यूलर स्पेसिस आर हाई इसीलिए डेंसिटी बहुत कम होती है और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल होते हैं डेंसिटी कम होती है मतलब टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं मॉलिक्यूल्स तो ये लेस डेंस होते हैं और ये हाईली कॉम्प्रेसिबल होते हैं द मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली इन स्पेस एंड दैट टू वेरी फास्टर ठीक है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में अट्रैक्शंस तो है नहीं तो वो इधर उधर इधर उधर फ्रीली मूव करते हैं और काफ़ी फास्ट भी मूव करते हैं देन मॉलिक्यूल्स आर वाइड अपार्ट एंड द पोजीशंस आर नॉट फिक्स्ड दैट इज ट्रू देन फोर्सेस द इंटर फोर्सेस आर निग्लीजिबल करेक्ट सो आई होप दिस इज़ क्लियर ओके सो बिफोर वी मूव ऑन टू आर नेक्स्ट टॉपिक सो लेट एस डिस्कस सर्टेन डिफरेंसेस क्योंकि दिस इज वन ऑफ द दैट क्वेश्चन जहां से आपको डिफरेंसेस आ सकते हैं तो यूजुअली क्या होता है कि डिफरेंस आपको बोला जाएगा राइट वन राइट द और से दिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो इसका मतलब है कि बाकी कहानी ना लिखे यू जस्ट हैव टू मैंशन लाइक वट काइंड ऑफ इंटरमोलिक्युलर फोर्सेज आर देयर इन सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेज सो लाइक सॉलिड्स हैव क्वाइट हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड्स हैव लेस एंड गैसेज हैव निग्लिजिबल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ठीक है तो दिस इज दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन स्पेसिफिक एक पॉइंट पे पूछा जाता है एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि इसी पॉइंट के अराउंड हमें आंसर लिखना है ओके सो लेट इस टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द थ्री स्टेट्स सो सॉलिड सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट साइज बट लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप वेयर एज गैसेस की बात करें तो ना तो डेफिनेट वॉल्यूम है ना तो डेफिनेट शेप है राइट नाउ सॉलिड सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं बहुत ज्यादा क्लोजली एक दूसरे से पैक्ड होते हैं वहीं पर लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी लूजली पैक्ड होते हैं तो हमने ये वाली पिक्चर देखी थी ना ओके okay, सॉरी तो हमने ये वाला डायग्राम देखा था जहां पर सॉलिड्स के केस में जो मॉलिक्यूल्स थे वो कैसे दिखाए गए थे ऐसे ठीक है वहीं पर जब हम लिक्विड्स की बात कर रहे थे तो मॉलिक्यूल्स जो थे वो कुछ ऐसे थे जब हम गैसेस पर आए थे जो तो ये मॉलिक्यूल्स इतना दूर दूर हमें दिखाए गए थे ठीक है सो द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड दे आर लूजली पैक्ड एंड द मॉलिक्यूल्स आर वाइड अपार्ट बहुत दूर दूर हैं देन मॉलिक्यूल्स आर फिक्सड एट देयर पोजिशंस ठीक है तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अपनी जगह पर ही रहेंगे और अपनी जगह पर वाइब्रेट करते रहेंगे लेकिन लिक्विड्स के केस में मॉलिक्यूल्स दे मूव विद इन द बाउंड्रीज सो दे हैव दियर सेट बाउंड्रीज लाइक दिस लिक्विड हैव तो इसकी एक सेट बाउंड्रीज हैं ये यहीं पर मूव करते रहेंगे इनके मॉलिक्यूल्स देन नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल्स कैन फ्रीली मूव इन स्पेस तो क्योंकि जो भी स्पेस है उस स्पेस में ये फ्रीली मूव करते रहते हैं ओके okay? नाउ द नेक्स्ट वन इज मॉलीक्यूल्स इन अ सॉलिड आर रिजिड कुछ हार्ड मॉलीक्यूल्स होते हैं वेर एज मॉलीक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर नॉट रिजिड एंड इन केस ऑफ गैसेस दीज मॉलीक्यूल्स आर रिजिड होमोजीनियस लेकिन इलास्टिक होते हैं ये ठीक है द नेक्स्ट वन इज़ इंटरमोलिक्युलर फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर लेस स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द सॉलिड्स एंड इन केस ऑफ गैसेज जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हैं दे आर वेरी वीक Right now, the molecules are closely packed in case of solids, molecules are loosely packed and molecules are wide apart. So we have already discussed this. Now, the last difference is Joe solids hai, they cannot flow, whereas liquids and gases they can flow. Okay, so I hope this is clear. All right. The next one is the change in states of matter. So this is something that is like that is very interesting and that is quite easy. There are certain terms that you need to remember. Now, the change in the state of matter. So होता क्या है कि एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट में जंप कर सकते हैं और दूसरी से तीसरी में यही हमने देखा था कि कैसे व्हाट जो जो पानी है पानी आइस भी बन सकता है वो लिक्विड स्टेट में भी आ सकता है और लिक्विड से वो गैसियस स्टेट में भी स्टीम में भी जा सकता है सो दिस प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट आइदर बाय एब्जॉर्बन और बाय रिजेक्शन ऑफ हीट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर तो किसी एक टेम्परेचर पे आधर वो हीट को एक्सेप्ट करेगा और रिजेक्ट करेगा सो दैट दैट लीड्स टू द चेंज इन स्टेट ऑफ अ मैटर जैसे कि जैसे सॉलिड है मान लो सॉलिड को हमने लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे सोचो कि एक आइस है आइस को अगर मुझे पानी बनाना है तो मैं क्या करूंगी एग्जैक्टली exactly, मैं हीट दूंगी तो इस प्रोसेस में हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी क्या होगी हीट एब्जॉर्ब होगी तो जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा मेल्टिंग ऑफ मेल्टिंग सॉरी मेल्टिंग या फिर इस प्रोसेस को बोलेंगे फ्यूजन ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इस केस में क्या होगा ये जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं ये काफी पास पास होंगे लेकिन जब हम हीट देंगे तो हीट के आने से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाइब्रेट करना शुरू करेंगे इनकी एनर्जी बढ़ेगी ये काफ़ी तेज़ वाइब्रेशन शुरू होगी और फाइनली दे विल बी एबल टू मूव अ लिटिल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर और इस दूर होने से क्या होगा ये जो सॉलिड स्टेट है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी जो आइस है वो क्या बन जाएगा जो आइस है वो बन जाएगा वॉटर ठीक है तो यहां पर काफी पास पास है हीट दिया हीट एब्सॉर्ब हुई हीट के एब्जॉर्ब होने से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर गए और दूर होने से दिस स्टेट चेंज्ड इन टू द लिक्विड स्टेट अब दूसरी है वेन लिक्विड चेंजेस इन टू अ गैस सो दिस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग ठीक है, बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन तो यहां पर क्या बनते हैं वेपर्स बनते हैं तो लिक्विड जब गैस में चेंज होगा तो अगेन यहां पर क्या होगा फिर से यहां पर हीट की एब्जॉर्बशन होगी अब मुझे पानी से स्टीम निकाल बनाना है तो क्या करूंगी गैस पे पानी रख दूंगी और उसको बॉयल होने दूंगी तो वो बॉयल होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और वो फाइनली पानी खत्म हो जाएगा वो स्टीम बनके निकल जाएगा तो आपने कई बार देखा होगा कि अगर चाय बनाने जाओ और कई बार आप सोचते हो कि चलो पहले पानी में इलायची और अदरक को अच्छे से पहले कड़ जाने दो उसके बाद हम चाय पत्ती चीनी और दूध डालेंगे लेकिन होता क्या है कि पढ़ने बैठ जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि गैस पर कुछ चढ़ाया था है ना तो जब जाते हो तो क्या देखते हो पानी जो दो ग्लास डाले थे अब वो हाफ ग्लास भी नहीं बचा है ठीक है क्यों क्योंकि वहां पर आपने हीट दिया था हीट देते ही पानी बॉयल होना शुरू हुआ और लिक्विड स्टेट जो है वो गैस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो गई तो दोनों ही प्रोसेस में क्या हुआ हीट का एब्जॉर्बशन हुआ तो मॉलिक्यूल्स जो हैं यहां से यहां पर और दूर होते गए जो मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो निग्लेजिबल हो गई और सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स थे लिक्विड के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो दूर 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 दूर, दूर चले गए एक दूसरे से ठीक है तो बात समझ आ गई सबको सो दिस इज हाउ द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर ओके सो इट क्लियर कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnohub.com सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम आई टूडे सेशन आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स कोई भी डाउट हो इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्न सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम टेक केयर एंड एज यू ऑल नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है